नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि जेलीफिश की एक प्रजाति है जो कभी नहीं मरती है? जहाँ दोस्तों, ट्रिटोपसिस डॉर्निन द इमोर्टल जेलीफिश को वयस्कता से गुजरने के बाद अपनी किशोर अवस्था में वापस लौटने में सक्षम होने के लिए जाना जाता है, जिससे यह मूल रूप से शाश्वत हो जाता है। नंबर टू, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक तरबूज $6,125 में बिका था? जी हाँ दोस्तों, 2008 में जापान में एक व्यक्ति ने 6,50,000 एन यानी कि $6,125 में लगभग काला डेसी की तरबूज खरीदा। इस विशेष प्रकार के तरबूज को केवल होकाइडो द्वीप पर उगाया जाता है और तरबूज की तुलना में एक अलग तरह की मिठास होती है जिसे हम खाते थे।